गाइस हाय, वेलकम बैक इन यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट आलोक सिंह। फ्रेंड्स, अभी लगता है कि लॉकडाउन जो है ना वो एक्सटेंड होने वाला है 30 अप्रैल तक। मैं डेली बेसिस पे आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ अपकमिंग कार्स की वीडियो लेके आता जा रहा हूं, बिकॉज अभी बाहर जाना तो पॉसिबल है नहीं कि मैं रियल लाइफ कार्स की वीडियो आपके लिए बनाऊँ। आज मैं गाड़ी को स्टार्ट करने आया था बिकॉज काफ़ी दिन से खड़ी है, बैटरी ड्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी रहती है। तो क्योंकि गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक वीडियो और बना दूँ जिसमें आपको बताऊँ मैं फ्रॉम डेट ऑफ परचेज अप टू टिल डेट, गाड़ी लेने से लेके आज तक मैंने कितनी एसेसरीज गाड़ी में लगवाई हैं, उनका फीडबैक क्या है, प्राइस क्या है। तो आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गाड़ी बुक कर रखी है, डिलीवरी के लिए वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने गाड़ी ले ली बट एसेसरीज को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, तो ये वीडियो आपके काम आ जाएगा। इससे पहले मैं बताना स्टार्ट करूँ, वो सारे मेरे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, यार से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर आपने नहीं किया तो आप ऐसे ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस करते आते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है अपनी, एक बार पहले स्टार्ट कर देता हूँ फिर हम आगे बात करते हैं। काफ़ी टाइम से खड़ी थी तो गाड़ी स्टार्ट कर दी मैंने। जैसा कि आप देख रहे हो 10,708 किलोमीटर अब मैं चला चुका हूँ गाड़ी को। चलिए आपको पहले मैं बाहर से दिखाता हूँ मैंने गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज लगवाए हैं। मीनवाइल गाड़ी स्टार्ट है तो इसकी बैटरी वगैरह चार्ज होती रहेगी जस्ट इन केस अगर ड्रेन हो रही होगी तो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने गाड़ी में लगवा रखा है यहाँ पे विंडो साइड क्रोम। एक मिनट, पहले मैं की रख देता हूँ गाड़ी के अंदर और नहीं आवाज़ करती रहेगी। तो पहले मैंने विंडो क्रोम लगवा रखा है, इसको मैंने शोरूम से लगवाया था। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको शोरूम से लगवाते हो की आके तो ये जो आपका पीछे का पार्ट है इसको कवर नहीं करता। वेबसाइट पे ऑफिशियली किया दिखा रहा है कि ये पीछे के लिए भी क्रोम आता है बट नहीं आता, केवल ये इतना आता है, हाफ आता है आपका अगर आपने क्रोम ऑप्ट किया तो। अभी ये क्रोम आई थिंक ऑनलाइन भी मिल नहीं रहा आपको, केवल जो मिलेगा वो यहाँ तक ही आता है, पीछे कवर नहीं करता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको लगवाना है बाहर से तो आपको मिलेगा नहीं पूरा फुल विंडो का, मिल भी जाएगा तो क्वालिटी कुछ खास मिलने नहीं वाली। शोरूम से लोगे तो हाफ मिलेगा, तब भी अगर आप चाहते हो पूरा लगवाओ लाइक हायर किया सेल्टोस के मॉडल की तरह तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि वर्कशॉप से लगवा लो, बट वो महंगा पड़ेगा बिकॉज वो आपको पड़ता है 7,000 रुपये के अप्रॉक्स का, बिकॉज वो पूरा इस पार्ट को निकाल देते हैं, यहाँ पे क्रोम फिक्स कर देते हैं एंड आगे आपका क्रोम लग जाएगा जो आपके हायर मॉडल्स में आता है वो वाला। तो 7,000 से 8,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट पड़ने वाली है। ये कुछ नहीं है, ये मेरे कैमरे का स्टिकर है। बाकी हैंडल क्रोम लगवा रखा है मैंने जब गाड़ी ली उस टाइम, जो वर्कशॉप पे हैंडल क्रोम आता था वो केवल आपका बेस मॉडल वाला आता था, उसके अंदर यहाँ पे दबाने के लिए होल नहीं बना हुआ था। इसको मैंने फिर अमेज़न से लिया है, आप अगर शोरूम से लेते हो आपको 1,200 रुपये अप्रॉक्स का पड़ेगा एंड इसको मैंने अमेज़न से लिया तो मेरे को ये पड़ा आपका 850 रुपीज़ अप्रॉक्स का। क्वालिटी अच्छी है इसकी, आपको मैं चारों हैंडल का दिखा देता हूँ अभी। उससे पहले इसका प्राइस आपको मैं अभी दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, आप स्क्रीन पे इसका प्राइस देख सकते हो। ये देखिए, ये आपका को ड्राइवर साइड के हैंडल का क्रोम है, 850 रुपीज़ इसका प्राइस था। मैं रियर में आऊँ तो रियर लाइट्स के नीचे मैंने क्रोम लगवा रखा है बिकॉज ये आपका HTK प्लस मॉडल है, तो फिर यहाँ पे मैंने इसमें ये क्रोम लगवा लिया। इसका प्राइस भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसको मैंने शोरूम से लगवाया है, क्वालिटी अच्छी है, मैं संतुष्ट हूँ इसके फिट एंड फिनिश से। ये देखिए, साइड से आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ मैं। ये रहा, इसके अलावा रियर रिफ्लेक्टर में क्रोम लगवा रखा है मैंने, इसमें अभी तक कुछ इशू आया नहीं, काफ़ी लाइक लुक वाइज अच्छा लगता है। ये मैंने बाहर से लगवा लिया था, ऐसे मेरे को अच्छा लगता है ये स्टिकर तो मैंने गाड़ी में लगवा लिया अपना। ये जो है इसको मैंने शोरूम से लगवाया है, प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा इसका। इन दोनों की फिनिशिंग अच्छी है, अभी तक एक बार भी कुछ पेस्टिंग वगैरह उतरने का पंगा नहीं आया। ये देखिए, इसका भी देख लीजिए फिनिश अप। इसके अलावा मैंने लगवा रखे हैं आपके ये बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर रियर में, ये देखिए इसकी पेस्टिंग उतर रही थी बट क्योंकि किया जो है आपका इसकी वारंटी देता है तो उन्होंने इसकी पेस्टिंग दोबारा लगा दी। प्राइस आपको इसका स्क्रीन पे मिल जाएगा। ये देखिए, आगे का भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपका फ्रंट बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर, इन सब पे किया प्रिंटेड है। केवल एक मेरे इस बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर का पेस्टिंग छूट रहा था रियर साइड में, बाकी किसी की पेस्टिंग कोई छूटी नहीं। ये इसके अलावा मैंने लगा रखा है आपके हेडलाइट्स पे क्रोम, बिकॉज ये आपका HTK प्लस मॉडल है तो मैंने क्रोम लगवा लिया, बिकॉज इसकी लाइट्स आपके HTX या हायर मॉडल की तरह
इतनी अच्छी कुछ खास लगती नहीं, तो मैंने क्रोम लगवा लिया। अब इसमें एक फीडबैक है, इसमें ये देखिए क्रैक आ रखा है, ये मैंने शोरूम से लगवाया था, क्रैक आ गया। बट अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने इसके लिए मेरे को प्रॉमिस किया है चेंज करके दे देंगे। जब मैं दिखाने गया था तो उनके पास था नहीं, उन्होंने इसको FOC बेसिस पे यानी फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे चेंज करने के लिए बोल दिया है, कर देंगे वो लोग आपके शोरूम वाले। केवल एक इसमें क्रैक आया है बस, बाकी ये आपका सही है। ये देखिए, आपको मैं दूर से भी दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ लुक रहेगा। इसके अलावा मैंने एक ये क्रोम लगवा रखा है गाड़ी में। आप बोलोगे कि क्रोम वर्क बहुत ज़्यादा करवा रखा है, बट मेरे को अच्छा लगा बिकॉज सिल्वर कलर की गाड़ी है आपकी, तो इस पर ये क्रोम अच्छा लग रहा था, मैंने लगवा लिया। आप भी अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो, इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसको बोलते हैं आपका फॉग लाइट क्रोम। कुछ दूर से ऐसा व्यू रहेगा। इसके अलावा मैंने ORVM पे क्रोम लगवा रखा है। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे एसेसरीज का, तो उसमें इसकी पेस्टिंग छूट रही थी, मैं शोरूम पे लेके गया, उन्होंने इसका प्रॉमिस कर दिया चेंज करने के लिए, बट क्योंकि उनके पास था नहीं, मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा। एक दिन ऐसा आया कि पेस्टिंग छूटी हुई थी, टूट गया मेरा, क्रैक आ गया उसके अंदर, शोरूम वालों ने तब भी चेंज कर दिया। तो कुछ फीडबैक अभी ओनर्स के हैं कि जो आप किया कि शोरूम से लेते हो एसेसरीज, थोड़ी वो महंगी हैं, क्वालिटी कुछ हल्की है, बट प्लस पॉइंट ये भी है कि हाँ वो लोग चेंज कर देते हैं। उन्होंने मेरे ड्राइवर साइड का जो क्रोम था ORVM का, क्रैक होने पे उन्होंने इसको चेंज कर दिया। ये वाला ब्रेक हो गया था, इसमें क्रैक आ गया था, उन्होंने इस क्रोम को मेरे चेंज कर दिया। पहले पेस्टिंग उतर रही थी, फिर क्रैक आ गया, बट उन लोगों ने चेंज कर दिया। इसके अलावा मैंने डोर पे क्रोम लगवा रखा है यहाँ पे। अब आप बोलोगे क्रोम वर्क बहुत सारा भर रखा है, जी है क्या कि ये आपके डोर को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने गाड़ी को किसी गली वगैरह में खड़ा किया कहीं पे, आप जब डोर को ओपन करते हो ना, तो ये आगे बढ़ता है, तो ये जो है पहले ये टच होगा आपके दीवार वगैरह पे, अगर आपने किसी कंजेस्टेड गली वगैरह में खड़ा किया तो। इसका प्राइस आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। तो मैंने ये क्रोम भी लगवाया हुआ है, ये आपके डोर को प्रोटेक्ट करता है। तो बाहर ये कुछ काम करवा रखा है मैंने। इसके अलावा एक ये स्टिकर लगा रखा है मैंने, ये स्टिकर मैंने ऑनलाइन परचेज कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली ये आपका रिफ्लेक्टिव नहीं है, बाकी कैमरे का स्टिकर है। अब मेरे को थोड़ा सा पसंद है तो मैंने गाड़ी में लगा लिया। आप भी इसको ले सकते हो, आपको अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगा आराम से। ये दोनों रिफ्लेक्टिव नहीं है, आप रिफ्लेक्टिव स्टिकर ट्राई करना अगर आपका मन हो लेने का तो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। इसके अलावा गाड़ी में क्या किया है, बाहर से इतना ही काम किया है मैंने। इसके अलावा एक ये लगा रखा है, ये तो ऐसे ही है, लाइक सी होता है माइथोलॉजी, अपनी अपनी सोच होती है। नई गाड़ी थी, मैंने इसको ले लिया, ये बेसिकली नज़र वगैरह ना लगे गाड़ी में, इसलिए लोग लगाते हैं इसको। मैंने पीछे भी लगा रखा है, मैंने आगे भी लगा रखा है। इसका ऐसा कुछ प्राइस नहीं है, 50-60 रुपये की मिलती है, रोड किनारे आपको मिल जाएगी। आपको आगे भी दिखाता हूँ, मैंने लगा रखी है ये, ऐसा ही लगा रहा है। तो आपके ऊपर लगवाना चाहो तो आप लगवा सकते हो। तो इतना कुछ काम मैंने करवाया था गाड़ी के अंदर आपका बाहर। इसके अलावा मैंने सेल प्लेट्स लगवाई हैं गाड़ी में, सेल्टोस प्रिंटेड है, ये स्टील की हैं, इनमें कुछ लाइट्स वगैरह नहीं जलती, ध्यान रखिएगा। अभी इल्यूमिनेशन वाली भी आ चुकी हैं, आई एम नॉट श्योर कि शोरूम पे मिलेंगी कि नहीं आपको, बट ये मैंने लगवा रखी है। इसका प्राइस आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। और इसका बेनिफिट क्या है, आप जब डोर को बार बार बंद करते हो ना ये, तो आपका जब डोर है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, गाड़ी चलाने के साथ धीरे धीरे होता क्या है, इसमें आपके यहाँ पे नीचे साइड में ना स्क्रैचेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, पेंट छूटने लगता है, उससे ये बचाता है एंड गाड़ी को ज़्यादा स्टाइलिश बनाता है। और कोई रोल नहीं है इसका, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। इसके अलावा 7D मैट्स मैंने गाड़ी में लगवा रखी हैं, ये इनका अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरा ये मैट वाला वीडियो देख सकते हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बिकॉज मैंने शोरूम से लगवाया। अब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था शोरूम के साथ का, उन लोगों ने मेरी जो दो बार क्रोम खराब हुआ उन लोगों ने एक बार चेंज कर दिया, एक बार प्रॉमिस किया चेंज करने के लिए, तो मेरे को मैट लेना वहाँ से सही लगा कि आके शोरूम से। थोड़ा महंगा दे रहे हैं वो लोग, प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा इसके मैट का भी, बट मैंने शोरूम से लगवाया कि ख़राब वगैरह होगा, भगवान ना करे सिलाई वगैरह कुछ खुलती है, तो एटलीस्ट ये चेंज कर देंगे। ऑल दो मैंने लिया ये महंगा पड़ा, आप इसको अगर ऑनलाइन लोगे amazon.com वगैरह से, आपको आराम से 3500 रुपये से लेकर के 4000 तक में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। और दिखाता हूँ आपको मैं, ये आगे का आपका 7D मैट है,
ऐसा कुछ है ये, ये इसके अलावा इसके ऊपर ये लगा होता है, इसको आप यहाँ से खोल के हटा भी सकते हो। तो आप जब गाड़ी जो चलाओगे ना, इसमें गंदगी वगैरह इकट्ठी होगी, तो गंदगी यहाँ पे इकट्ठी होती है। इसमें रबर भी लगा हुआ है यहाँ पे, आप बाकी इसको साफ कर सकते हो। मैं सेल्टोस भी लिखा हुआ है। इसके अलावा गाड़ी में मैंने स्टीयरिंग व्हील कवर लगवाया, जो पहले का मैंने वीडियो बनाया है सीट कवर्स का। फ्रेंड्स ने कुछ तारीफ़ नहीं की स्टीयरिंग व्हील कवर की, पर्सनली मुझे भी ठीक ठीक लगता है ये फिनिशिंग के मामले में। और मैंने ये फुल बकेट फिट सीट कवर्स लगवा रखे हैं गाड़ी में, इन पे आपका सेल्टोस लिखा हुआ है। इनका प्राइस भी आपको मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ। ये तो मास्क है मेरा, गॉगल। तो आप ये सीट कवर लगा सकते हो, ये फुल बकेट सीट कवर है। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हाँ, सीट कवर जो है ना आपके, एक मिनट में एसी की हवा कम करता हूँ, पहले बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। सीट कवर्स आपको बाहर से लेने चाहिए या शोरूम से? शोरूम पे क्या है फ्रेंड्स कि 5-6 ऑप्शन है हमारे पास, आप चाहो तो किया के शोरूम से ले सकते हो, बट उनकी क्वालिटी जो है सीट कवर्स की मेरे को हल्की लगी। आप ट्राई करो सीट कवर बाहर से लगवाओ ऑटो मार्केट से, वहाँ पे आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। सीट कवर की लगवाने से पहले आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, लाइक शोरूम पे जो है किया के 5-6 तरह के सीट कवर्स आते हैं। अगर आपने इसको बाहर लगवाया आपको 15-20 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, आप अपने हिसाब से फिनिश वगैरह करवा सकते हो। एक आता है आपका फुल बकेट फिनिश, एक आता है हाफ बकेट फिनिश, तो आपको जो सही लगे वैसे सीट कवर आप लगवा लो। आप चाहो तो कस्टमाइज भी बनवा सकते हो, तो ये फायदा है। मेरे को ब्लैक पसंद आया, पहले मेरा मन था कि हाँ ब्लैक कलर के सीट कवर हो एंड रेड स्टिचिंग हो, बट फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं व्हाइट स्टिचिंग में ले लेता हूँ, बिकॉज ये मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे। ये आपके रियर सीट कवर्स हैं। इसके अलावा गाड़ी साफ करने के लिए मैंने ये कॉटन का क्लोथ ले रखा है, ये आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ का आपके किया के वर्कशॉप से या किया के शोरूम से। तो है क्या ये फुल कॉटन है, तो फिर ये गंदगी वगैरह ज़्यादा सोख लेता है, गाड़ी साफ करने के लिए आइडल है। तो ये आपकी मैट्स हो गई अंदर, ये सीट कवर्स हो गए आपके। प्राइस सबका आपको मैं स्क्रीन पे देता जा रहा हूँ, तो फिर आपको प्राइस का आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आप एक कार चार्जर ले सकते हो, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मेटल का है, MI का लिया हुआ है मैंने, अच्छा क्वालिटी है इसकी। इसको आप लगाओगे तो उसमें लाइट भी जलती है इसके अंदर, इसमें लाइट्स हैं तो ये लाइट जलती है इसके अंदर। देखिए ये मैंने लगाया ना यहाँ पे, ये तो लाइट जलना स्टार्ट हो गई। ये MI के चार्जर के अंदर है, इसकी वजह से है, इसमें लाइट जलती है, तो आप चार्जर भी लगा सकते हो। तो इतना कुछ मैंने गाड़ी में करवा रखा है। इसके अलावा आप डिविनिटी ले सकते हो, ये भगवान की स्टैचू वगैरह, आपका जो भी ट्रस्ट है जिस भगवान के ऊपर, आप उनके ऊपर ले सकते हो। आप ये कार का इसमें गाड़ी का इसमें एयर क्लीनर ले सकते हो, परफ्यूम बेसिकली। मैंने गोदरेज का ले रखा है, मस्क है ये, गोदरेज मस्क, आफ्टर स्मोक भी बोलते हैं कई लोग इसको। ऑल दो मैं स्मोकिंग नहीं करता, बट इसकी जो स्मेल है ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैंने ले लिया। इनफैक्ट मेरी गाड़ी में 3 लगे हुए हैं, एक तो आपका ये लगा हुआ है और 2 मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखिए। तो गाड़ी में काफ़ी अच्छी स्मेल भरी रहती है हर टाइम, आपको जो भी इसमें स्मेल पसंद हो आप वो गाड़ी में ले सकते हो। तो मोटा मोटा इतना काम करवा रखा है मैंने गाड़ी के अंदर। मैंने 70 मैट लगवा ली, स्टीयरिंग व्हील कवर लगवा लिया, फुल बकेट सीट कवर्स लगवा लिए। इसके अलावा बाहर मैंने डोर हैंडल पे क्रोम लगवा रखा है, मैंने ORVM पे क्रोम लगवा रखा है, मैंने फॉग लैंप पे क्रोम लगवा रखा है, मैंने हेडलाइट्स के नीचे क्रोम लगवा रखा है, मैंने रियर रिफ्लेक्टर के ऊपर क्रोम लगवा रखा है, मैंने गाड़ी में सिल प्लेट्स पे क्रोम सिल प्लेट लगा रखी हैं। दोबारा दिखा देता हूँ, ये रही आपकी सिल प्लेट्स, ये वाली सिल प्लेट्स पे मैंने लगवा रखा है आपका, सिल प्लेट ही बोलेंगे बेसिकली, क्रोम तो बोलेंगे नहीं इसको। एंड आपका मैंने हेडलाइट्स के नीचे भी क्रोम लगा रखा है, ये सारा वर्क मैंने गाड़ी में करवा रखा है। एंड शोरूम से लेना चाहिए कि नहीं, आप एक काम कर सकते हो, आपको जो तुरंत लगवानी है गाड़ी में, आपने गाड़ी ली आपको तुरंत कुछ मन था करवाने का मॉडिफिकेशन, सब बहुत आप बेसिक मॉडल ले रहे हो, बेस से ऊपर वाला ले रहे हो, आप STK प्लस ले रहे हो, उसमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा बेसिक मॉडिफिकेशन करवा दोगे ना आप क्रोम वर्क वगैरह, तो गाड़ी और हायर मॉडल को कॉम्पीट करने लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो आप वहाँ पे कुछ एक काम करो, डिफाइन कर लो आप कौन से क्रोम वर्क आपको तुरंत चाहिए, आप उनको शोरूम से करवा लो। शोरूम से कराने पे ठीक है हल्का सा महंगा पड़ता है, बट बेनिफिट ये रहेगा कि हाँ कुछ खराबी वगैरह आती है, पेस्टिंग छूटती है, जल्दी टूट जाता है, तो आपको वो लोग वारंटी देते हैं एटलीस्ट 6 महीने की। पहले 1 साल क्लेम करते थे, अभी 6 महीने बोल रहे हैं आपके किया वाले, तो 6 महीने भी मोर देन एनफ है, बिकॉज मेरा अभी ORVM का इसका क्रोम टूट गया था,
ये वाला आपका, तो मैंने इसको इस क्रोम को अभी आपका चेंज करवाया जल्दी ही, तो ये बेनिफिट मिल जाता है वहाँ से करवाने का। तो आप कुछ क्रोम वर्क बाहर से करवा लो, कुछ आप यहाँ से शोरूम से करवा सकते हो। इतना कुछ मैंने गाड़ी में करवा रखा है। इसके अलावा आप कार की हैंगिंग ले सकते हो, मैंने गणेश जी को टंगा हुआ है, मेरे को पर्सनली काफ़ी ट्रस्ट है भगवान के ऊपर। अब है क्या, ये गणेश जी मेरे आगे संभालते हैं जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो, एंड शिव जी मेरी ओर देखते हैं, मेरे को संभालते हैं। सी वही है कि हाँ, अपना अपना फेथ होता है हर भगवान के अंदर। मेरा फेथ है मेरे भगवान में, मैंने आपको दिखाया, तो मैं ऐसे करता हूँ गाड़ी को मैनेज अपने। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वो सारे व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, याद से कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए मैं ऐसे कुछ ना कुछ नई यूनिक सी चीज़ लेके आता रहता हूँ। कोई पेड वीडियो होते नहीं मेरे, मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ, मैं जो भी कुछ गाड़ी में अपने कर रहा हूँ, क्या अपकमिंग कार्स के बारे में मैंने सुना, वो सारा कुछ आपको मैं बताता रहूँ। एक बार जब चैनल वगैरह ग्रो करेगा, मैं ट्राई करूँगा आपके लिए फिर डेली बेसिस पे रियल लाइफ कार्स का वीडियो बनाने के लिए। अभी के लिए बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, मैं आपके लिए लेके आता जा रहा हूँ डेली बेसिस पे अपकमिंग कार्स के अपडेट, एंड अपनी गाड़ी में क्या किया क्या नहीं किया आपको बताता रहता हूँ। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो प्लीज़ घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।